हाय गाइस, आई एम अभिषेक एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अंडर बैकअप। आई होप गाइस आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं जैसे कि एंड एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, वीडियो थोड़ा सा लेट आया क्योंकि मैं ब्लॉग में बिजी था और काम भी चला गया था। अब से रेगुलर वीडियो आ जाएगा। तो ये वीडियो है नेक्स्ट ओबी अपडेट के ऊपर, जिसमें कि क्राफ्ट लैंड आ चुका है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले दिखा दिया था। और क्या रहे है, ये रहा आपका न्यू पेट। तो निंजा टाइगर से इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और इसका एबिलिटी कुछ हाइड करने जैसा है। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट गन की तरफ, न्यू गन। ये इसका नाम कुछ है AC-80, तो ऐसा कुछ नाम है इसका। इसका एक खासियत है, आप जब इसमें रैपिड फायर करोगे ना तो इसका दूसरा गोली ज़्यादा डैमेज देगा, तो कुछ 67-107 ऐसे ही इसका बहुत डैमेज बहुत ज़्यादा है। 480 का हेड रैपिड फायर पे देता है। और हम आते हैं अभी अपने न्यू कैरेक्टर के ऊपर। तो अभी स्किल तो ब्लॉक कर दिया गया है और अभी मिस्ट्री कैरेक्टर है, इसका नाम बहुत जल्दी रिवील भी हो जाएगा। तो अभी आते हैं हम इसके स्किल के ऊपर। भाई साहब ओपी स्किल है इसका। तो क्या हुए ये देखो, तो लेवल 1 पे ये आप 3 HP करके रिकवर करेगा 15 सेकंड तक, और सेफ रिवाइव भी हो सकते हो, जो कि मैक्स होते होते 15 सेकंड तक रिवाइव करेगा और 7 सेकंड में इसका कूल डाउन होगा और सेल्फ रिवाइव पे बनता है। और अभी ये देख सकते हो उसका सेल्फ रिवाइव वाला सिस्टम, रिवाइव भी हो रहा है और एनिमी को पता भी नहीं चल रहा है। तो दूसरे कैरेक्टर के ऊपर आते हैं, तो इसका कुछ स्किल है, मतलब कि आप जब पहले लेवल पे अपने दोस्तों को रिवाइव करोगे तो एक्स्ट्रा 5% स्पीड ज़्यादा होगा और एक्स्ट्रा 15 HP आएगा, जो कि मैक्स होते होते 20% जो है ज़्यादा स्पीड होगा, 40 HP ज़्यादा पाएगा। तो अच्छा है, ये कैरेक्टर भी अच्छा है लेकिन पहला वाला ज़्यादा अच्छा है। तो और ये देख सकते हो आपको इलाइट मोको, इसमें क्या स्किल है, जब आप एनिमी को मारोगे उसके बाद जब अगर एनिमी 2 सेकंड तक मूव करता है तो मैक्स लेवल पे 6.5 सेकंड तक ज़्यादा मार्क करेगा, मतलब कि अपने जैसा स्नाइपर के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। तो गाइस अभी कुछ गन्स पे चेंजेस पे आ जाते हैं, जो कि मैक्स 7 और स्पास 12। तो गाइस अभी ना देख सकते हो शॉर्ट गन में मजल भी आ चुका है, और ये कोई नया अपडेट नहीं है। हम जब पहले फ्री फायर खेलते थे तब हम मजल साइलेंसर शॉटगन भी लगा के खेलते थे, लेकिन इसमें जो स्कोप आ गया है ना वो नया अपडेट है। स्कोप शॉटगन में हमारे फ्री फायर में नहीं था। और आप देख सकते हो ये एक दे दिया है ट्रेनिंग ग्राउंड में नया चीज, ग्रेनेड प्रैक्टिस करने के लिए। जो ब्लू वॉल प्रैक्टिस करने के लिए आया था, अभी ग्रेनेड प्रैक्टिस करने के लिए भी आ चुका है। तो पता नहीं इसमें कौन ग्रेनेड प्रैक्टिस करेगा। थोड़ा बहुत सब लोन नोल करके एक मोड आया है जिसमें कि आप 1v1 कर सकते हो बिना कस्टम कार्ड के लेकिन अपने दोस्तों के साथ नहीं कर सकते हो गाइस। फिर वो भी अच्छा है, 1v1 तो करोगे ना, प्रैक्टिस तो होगा, दोस्तों के साथ करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करो। और हम अभी आ जाते हैं कुछ नए अटैचमेंट को, एक SMG के लिए और एक शॉटगन के लिए, समझ रहे हो ना। तो SMG के लिए देख सकते हो अटैचमेंट ये वाला है, और शॉटगन के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, थोड़ी देर इंतज़ार करो। और ये देख सकते हो शॉटगन का अटैचमेंट लग गया है, और ये देखो गोली बहुत ज़्यादा स्टेबल जा रही है। आप पास 12 और मैक्स 7 में इस्तेमाल कर सकते हो भाई। सर मैक्स 7 की तो चांदी होने वाली है, इतना स्टेबल गोली जाएगा। और हम मैक्स 7 को भी थोड़ा सा बैलेंस कर दिया गया है भाई, तो मैक्स 7 का यूजर इसके अपडेट के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अभी मैं आपको SMG का दिखा देता हूँ, देख सकते हो। इसके लिए आपको मजल सपोर्टेड गन पे जाना पड़ेगा, यानी ये भले ही बॉट है लेकिन देखो कैसा मक्खन सा हेडसेट पड़ गया ऐसा मक्खन सा हेडसेट कहाँ पड़ता है भाई एमपी भाई से। तो गाइस ऐसा कुछ अपडेट था। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपसे रेगुलर वीडियो शुरू हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।